कारण ये है कि विजय प्रकाश सिंह क्षेत्राधिकारी नानपारा जो जाट समाज के हैं उनका पोस्टिंग वर्तमान में नानपारा सर्किल में है। दिनांक 16/11/18 को वहाँ के क्षेत्रीय विधायक का श्रीमती पूर्णिमा वर्मा के पति दिलीप वर्मा द्वारा तहसीलदार नानपारा को उनके चैम्बर में चप्पल जूतों से पिटाई की। उस समय हमारे समाज के क्षेत्राधिकारी श्री विजय प्रकाश सिंह चैम्बर में मौजूद थे, तो उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय तहसीलदार को दिलीप वर्मा की पिटाई से बचाया और तहसीलदार द्वारा दिलीप वर्मा के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के फलस्वरूप सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कराया। उसके उपरांत दिलीप वर्मा द्वारा थाना नानपुरा जो जिला बैराचिन पड़ता है धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान विजय प्रकाश सिंह जाट समाज को बिलोंग करते हैं दिलीप वर्मा द्वारा विजय प्रकाश सिंह को तो गाली गलौज किया ही गया, हमारे पूरे समाज के प्रति अमर्यादित शब्दों का जिनको मैं इस चैनल पर नहीं बता सकता उन शब्दों का प्रयोग किया जिससे हमारे देश भर का जाट समाज बहुत आहत है। इसलिए आज हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कि वो इस प्रकरण में SIT का गठन करें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और दोषी दिलीप वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई हो सके। हमने इस ज्ञापन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को आगाह किया है यदि हमारे समाज का मान सम्मान की रक्षा नहीं की गई तो मजबूरन आगे जो लोकसभा का चुनाव है 2019 में उसमें हम भाजपा का विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद।